नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल माता राम सेवा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पीके दुबे। बताएंगे कि कुछ ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास जो जो कि उनको बहुत ही दुखद और दुख समाचार लेके आते हैं। उनका सेवा देना, उनका रोग का निदान करना हमारा कर्तव्य है। चलिए दोस्तों, कर्तव्य का पालन करते हुए एक बच्चा अपने माता पिता के साथ हमारे पास कहानी सुनाता है कि हमारा सेक्स में बहुत दिक्कत है। शादी के दिन ही केवल मैं अपना परिवार के साथ संभोग किया, उसके बाद दूसरी बार हमसे कुछ नहीं हुआ। कई घंटे तक हम दोनों प्रयास करते रहे, इसके बावजूद भी कोई शरीर में हलचल उत्पन्न नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं हुआ लिंग में। दोनों परेशान थे। बहुत ही दुखद घटना हमारे पास सुनाए। मैं बोला, चिंता नहीं करिए, थोड़ी से समय लगेगा, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा और आपकी बहू का भी। लड़के के पिताजी ने बताया, हम इसको मना किए थे कि लड़की को कुछ मत बोलना, बहू को कुछ मत बोलना। लड़का नहीं माना, बोल दिया हमारा सेक्स में दिक्कत है। लड़की 3 महीना तक व्याकुल रही है, उसके बाद दोनों में बहुत विवाद हुआ। उसके बाद भी जब विवाद बढ़ गया, तब उसके माता पिता लड़के को लेके आए और उनको मैं देखा तो उनको बताया कि आपके बच्चे में ये समस्या है जिसके कारण सेक्स नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कई स्थान पर चिकित्सा की, कई जगह उन्होंने अपने बच्चे को दिखाया और ये दुख भरी कहानी सुनाए। हम उनको आश्वासन दिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समय के अनुसार थोड़ा सा समय देना होगा आप सभी को। मैं उनसे केवल 3 मंथ मांगा, अगर हमको और जरूरत पड़ेगा तो हम 6 मंथ तक दवा खिलाएंगे। वो चाहते 3 मंथ आपको अनिवार्य देना है हमारे लिए। उन्होंने बोला, सही बात है, अगर 3 मंथ में मेरा ठीक हो जाएगा तो हम 6 मंथ में भी दवा खिलाएंगे। तो उनको थोड़ा सा विश्वास देना पड़ गया। दोस्तों, दवाई जरूरी है, इलाज जरूरी है। आज 95% ऐसे बच्चे हैं जिनकी सेक्स की समस्या है और वो सेक्स से बहुत तबाह हैं। कुछ बच्चे अक्सर गलती कर बैठे हैं जिसके चलते उसके माता पिता, उसके फैमिली भोगते हैं, वो कष्ट में रहते हैं। तो गलतियां नहीं करें बच्चे लोग। चलिए, तो उनको कैसे निदान हुआ इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि उसका समस्या कैसे हल हो गया। शादी के दिन से 3 महीना में बच्चा पत्नी के साथ केवल 1 रात सोया। लड़का कोशिश करता रहा कि दोबारा उसके साथ सेक्स करे, बिल्कुल लड़का के साथ नहीं हुआ। लड़की निराश हो गई, दोनों में टेंशन होने लगा, बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया। दोस्तों, ऐसा आप नहीं करें और इसका पहले से आप इसका इलाज करा लें और ठीक जगह पे पहुंच जाए, गलती नहीं करें। वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इसका लाभ भी आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये हकीकत कहानी आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, किन औषधियों से उस बच्चे का भविष्य सुधरता नजर आया उसके बारे में आपको हम बताएंगे। अभी औषधि, क्या क्या औषधि हमने दिया और कैसे बच्चा सुधर गया। 3 महीने बाद बच्चा पुनः उस लड़की से मिलता है, तो आगे हम औषधि के बारे में बता देते हैं। उसके बाद कहानी आगे बताएंगे कि क्या कहानी रहा उसके साथ, इसकी घटना कैसे घटा, घटनाक्रम आपको हम बताएंगे। उस बच्चे को क्या औषधि हम दिए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या उस बच्चे को औषधि में दिया मिला करके। सबसे पहला औषधि में मिला हुआ जो था मेरा शिलाजीत 25 ग्राम, लोह भस्म 10 ग्राम, वंशलोचन 25 ग्राम, चंद प्रभाव बटी 10 ग्राम, बांग भस्म 20 ग्राम, गूगल 15 ग्राम, चंदन का तेल 6 ग्राम, स्वर्ण माचिक भस्म 9 ग्राम। इन सारी औषधियों से उचित अनुपात में मिला हुआ औषधि जो मैं उसको बना करके बच्चे को दिया, बच्चे प्रयोग किया। इसके साथ
हमारे पास तेल बना हुआ था और औषधियां ऐसे बने हुए थे, उसको मैंने दिया। जो भी सारे आपको हम बताए औषधियां, उन सारी औषधियों को मैं एक एक जगह इकट्ठा करके उसको टैबलेट बना करके या पाउडर रूप में उसको हम दिए और उस बच्चे को बताएं कि आप इसको सेवन करेंगे। तो उसके विधि बता देते हैं, जब सारी औषधियों को मिला करके उसको पाउडर या टैबलेट बना दीजिए या पाउडर बना के दीजिए और उसको सेवन करवाइए। तो सेवन करने के लिए पहले तो उसको मिश्रण करवा के अच्छी तरह से दवा बन चुका, और उसको साथ कैसे खाना है इसके लिए बता देते हैं आपको हम कि दो गोली सुबह दो गोली शाम दूध के साथ लेना है, या मुरब्बा जो आंवला का मुरब्बा होता है उसके साथ सेवन करना है। दोस्तों मुरब्बे के साथ जो है ना हमारी जो औषधि है ना उसको सहयोग मिलेगा कि यह शुद्ध आयुर्वेद में है। दूध है मलाई जो है आपको इसके साथ सेवन करना है, हमारे औषधि के साथ अक्सर ही इस चीज को सेवन करना है आपको। आपके बाजार में इन सारी औषधियां उपलब्ध है, अगर नहीं मिला तो आप नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे माता राम सेवा में आप कॉल करके बोले और इसका आप ऑर्डर करवा सकते हैं और आपको उपलब्ध हो जाएगा। जहां भी आप कॉल पर बुलाते हैं तो आपका पार्सल हो जाएगा, आपके यहाँ पहुंच जाएगा, इसका सेवा यहाँ व्यवस्था है। ऐसे अनेक रोग अनेक औषधियों देना पड़ता है, उसकी विकार देखना पड़ता है कि किस कारण से उसका ब्रिज समाप्त हो गया, सेक्स में दिक्कत हो रहा, तो ऐसे समस्या उत्पन्न होता है। तो उसके लिए हम बता देते हैं कि आप इलाज जरूर करवावे, क्योंकि आपको सुविधा आपको मिलता है या आप फोन पर बात करें या एडवाइस देंगे, तो उसके बाद अगर औषधि मंगाना होगा तो आप औषधि मंगा सकते हैं इसके लिए। दोस्तों ऐसे अनेकों औषधियां हैं जिससे कि आपको लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ मैंने अपना तेल बनाया हुआ था, हमारे पास क्रीम बना हुआ है, तो ऐसी चीज उनको हम सेवन करने के लिए देते हैं कि लिंक में तनाव हो, लिंक में थोड़ा कड़ापन आए, लिंक कड़ा हो और थोड़ी सी लंबाई भी उसमें बढ़े। इसके लिए हमारे पास सारे व्यवस्था उपलब्ध है, जब चाहे जब आप मिल सकते हैं। अक्सर ये दुरुपयोग करते हैं बच्चे लोग, इसके कारण ये समस्या उत्पन्न होता है। बच्चे खान पान पर ध्यान दें, सावधानी आपको बता देते हैं कि ज्यादा हस्त मैथुन बिल्कुल नहीं करें। सेक्स का पूरी आनंद लेने के लिए थोड़ी सी समय देना होगा आपको, थोड़े इंतजार करना होगा। आजकल सेक्स से तुरंत सोचते हैं मेरा सेक्स हो जाए, ये समस्या उत्पन्न होता है। अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से संभोग करने के लिए आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ संभोग करेंगे। अक्सर पार्टनर लोग नारुष्ट हो जाता है, कारण है आप तैयार रहते हैं, आपका पार्टनर तैयार नहीं रहता है, इसके कारण दोनों में मिलाप होने में देरी लगता है। क्योंकि आपने मन पहले से बना लिया तो सबसे पहले आपके पास जो पावर शक्ति है, ब्रिज का जो कीटाणु है बाहर दौड़ के चला आता है, और आपका पार्टनर का वो बहुत लेट से आता है, इसके चलते उसको सेक्स पूरा नहीं होने के चलते दोनों में तनाव होता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं करें, उसके लिए हम अगला वीडियो में आपको इसके पूरे डिटेल बताएंगे कि कैसे आप करें जिससे कि जिंदगी का सबसे आसान चीज आप इसको आनंद लेते रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।